आदरणीय सभापति जी, हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं। दुनिया के प्रगतिशील देशों के लिए भी विमेन डेवलपमेंट तो बहुत स्वाभाविक स्वीकार करते हैं, लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उनके भी उत्साह में थोड़ी कमी नजर आती है। ऐसे समय भारत ने नारा नहीं, निष्ठा के साथ विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाए और महिला सशक्तिकरण का लाभ आज दिख रहा है, हर क्षेत्र में दिख रहा है और भारत की विकास यात्रा में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मैं आदरणीय सांसद सुधा मूर्ति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि कल उन्होंने चर्चा में महिलाओं के आरोग्य के विषय पर बल दिया था और उसका महात्म्य क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर बड़े विस्तार से उन्होंने कहा था। और आप उन्होंने एक बात ये भी बड़ी इमोशनल बताई थी कि माँ अगर चली गई तो उसका कोई उपाय नहीं होता, फिर नहीं मिल सकती, ये भी बड़ी भावात्मकता से उन्होंने बताया था। विमेन हेल्थ, सैनिटेशन, वेलनेस पर हमने 10 वर्षों में एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए आपने काम किया है आदरणीय सभापति जी। टॉयलेट हो, सैनिटरी पैड्स हो, गैस कनेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो और इसका फायदा हमारे देश की माताओं बहनों को मिला है। आदरणीय सभापति जी, आरोग्य के साथ साथ महिलाएं आत्मनिर्भर बने उस दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। बीते वर्षों में हमने जो 4 करोड़ घर बनाए हैं उसमें से ज्यादातर घर हमने महिलाओं के नाम पर रखे। बैंकों में खाते खुलने से मुद्रा और सुकन्या समृद्धि जैसी योजना से आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भूमिका भी बढ़ी है, भागीदारी भी बढ़ी है और एक प्रकार से वो परिवार में भी अब निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगी है। आदरणीय सभापति जी, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उससे जुड़ी 10 करोड़ बहनें, उनका आत्मविश्वास तो बढ़ा ही बढ़ा है, उनकी आय भी बढ़ी है। अभी तक 1 करोड़ बहनें जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, छोटा छोटा गांव में कारोबार करती हैं, मिलकर के करती हैं, किसी गांव वालों की भी नजर नहीं जाती इनकी तरफ। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्हीं में से 1 करोड़ बहने लखपति दीदी हैं और हम आने वाले समय में ये आंकड़ा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदार बनाने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, सरकार का प्रयास है कि हर नए सेक्टर को हमारी महिलाएं लीड करें, वो अगुवाई करें, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी आती है लेकिन महिलाओं के नसीब बहुत बहुत आखिर में आती है। हमारी कोशिश है कि नई टेक्नोलॉजी का पहला अवसर हमारी महिलाओं के हाथ लगे और वे इसको और इसी के तहत नमो ड्रोन दीदी ये अभियान बहुत सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और आज गांव में किसानों को मदद करने का टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम गांव की हमारी महिलाएं कर रही है। और मैं जब उनसे बात कर रहा तो मुझे कह रही है, अरे साहब, हम लोग कभी साइकिल भी नहीं चलाना जानते थे, आपने हमें पायलट बना दिया है और पूरा गांव हमें पायलट दीदी के नाम से जानने लगा। और इस गरिमापूर्ण बात
उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन जाता है, एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। आदरणीय सभापति जी, देश का दुर्भाग्य है कैसे संवेदनशील मामलों में भी राजनीति जब होती है तब देशवासियों को, विशेषकर महिलाओं को, अकल्प पीड़ा होती है। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, मैं किसी राज्य के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, न ही मैं कोई राजनीतिक स्कोर करने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा, वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज, मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। इससे बड़ा शर्मिंदगी का दुखद चित्र क्या हो सकता है। और जो अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से है या उस राज्य से है। और इसलिए आप महिलाओं पर हो रही पीड़ा को चुपचाप हो जाए। आदरणीय सभापति जी, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से दिग्गज लोग भी ऐसी बातों को नजरअंदाज करते हैं, तब देश को तो पीड़ा होती है, हमारी माताओं बहनों को ज्यादा पीड़ा होती है। आदरणीय सभापति जी, राजनीति इतनी सिलेक्टिव हो और जहां उनकी राजनीति को अनुकूल नहीं होता है तो उनको सांप सूंघ जाता है, यह बहुत चिंता का विषय है।